हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे सुजलोन एनर्जी की। इसके ऊपर काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग इसके अंदर होल्डिंग रखते हैं ये वीडियो उनके लिए है, और यहाँ पर नई बाइंग कहाँ पर की जा सकती है, कहाँ पर नहीं, वो हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की खास करके हम बात करेंगे, क्योंकि कई दिनों से इसके अंदर पहले तो एक अच्छी खासी तेज़ी आई, अब जो है इसके अंदर करेक्शन का मोड़ चल रहा है। 18.60 रुपये का प्राइस है, तो का प्राइस जो है कहाँ पर जा सकता है। पिछली बार भी अभी देखे तो मैंने बताया था कि ये इसने जो है यहाँ पर एक्चुअली देखे तो यहाँ पर एक्चुअली आपको दिखेगा नहीं, लेकिन एक गैप जो यहाँ पर जो है छोड़ा है, जो कि 15.5 रुपये के आसपास है। अब यह यहाँ पर अभी देखे तो 18 रुपये के आसपास का प्राइस है, यहाँ पर 17.50 रुपये के आसपास ये सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ पर जो है एक ट्रायंगल सा शेप यहाँ पर बना हुआ है। आगे हम देखते हैं कि ये ट्रेंड लाइन जो बनी हुई है अभी जो है ये लोअर हाई की जो है सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है, तो जब तक इसके अंदर तेज़ी कब तक आ सकती है, कई लोग इसके अंदर पूछते हैं। क्योंकि अगर आप देखें, साथ ही साथ अगर देखें तो जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, ये नए व्यूअर्स के लिए है कि यहाँ पर 8 रुपये पर जब ये शेयर था, आप देख सकते हैं कि तब से ये 3 महीने पहले का है, तब भी मैंने बोला था कि ये मल्टी बेकर साबित हो सकता है, बड़े बड़े इसको ऑर्डर मिल सकते हैं। उसके बाद 10 रुपये पर आया, 10.5 रुपये के ऊपर आया, तब भी इसके ऊपर हमने वीडियो बनाए। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए सबसे पहले तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और डेली जो है हम एक शॉर्ट वीडियोज़ अपलोड करते हैं तो उसको भी जो है आप ज़रूर देखिए। एक बार हमारे चैनल के ऊपर जाकर चेक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बात करें अभी की सिचुएशन की, तो इसके अंदर तेज़ी के जो सिचुएशन है वो तभी बन सकती है कि जब ये अपने जैसे कि ये पुराने हाई को, यानी कि ये जैसे कि इस हाई को क्रॉस करके ऊपर निकले, या फिर इस हाई को, तो ये तो जो है अभी 52 वीक हाई यहाँ पर बना दिया था इसने, ऊपर जाता है उसके बाद नीचे आता है फिर ऊपर फिर नीचे, तो ये जो है कहीं ना कहीं अभी ये इसके अंदर एक करेक्शन का दौर कह लीजिए, फिर थोड़ा बहुत या तो इसको कंसोलिडेशन कह सकते हैं, तो एक जो है एक मंदी का चैनल यहाँ पर जो है चल रहा है। मतलब कि पहले तेज़ी आती है, फिर थोड़ा सा करेक्शन, फिर एक लोअर हाई की सिचुएशन बनी हुई है। और फिलहाल जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो अभी इसका प्राइस है 17.50 रुपये जहाँ पर इसने ये सपोर्ट लिया था, उसी के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट है, जो कि ज़्यादा दूर है नहीं। अगर इसको ये बरकरार रखता है, इसके ऊपर जब तक बना रहता है, तो जो है वापस से जो है यहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है। अदरवाइज अगर ये 17.50 रुपये को, या फिर यूँ मान लीजिए इन द राउंड फिगर नंबर अगर देखें 17 रुपये को अगर ये तोड़ता है, तो नीचे में जो है ये 15.5 रुपये तक आने की कोशिश कर सकता है। मतलब कि 15.5 रुपये के आसपास जो एक गैप इसने छोड़ा है वहाँ तक भी आ सकता है। बाकी जब तक 17 रुपये के ऊपर है तब तक जो है इसके अंदर स्ट्रेंथ बनी रह सकती है। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो इस लेवल को जो है, इस सपोर्ट को जो है आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर रजिस्ट्रेंट की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेंट इसका वही यही है जो कि 20 रुपये के आसपास का लेवल है। एक तो ये राउंड फिगर नंबर्स भी है, साथ ही साथ जो ये लोअर हाई का यहाँ पर बना था सिचुएशन, उसके जहाँ पर 21 रुपये के आसपास का हाई बनाया, फिर नीचे आया, फिर इस तरीके से जो ये लोअर हाई बना रहा है, तो इसको सबसे पहले तो जो है ब्रेक करना ज़रूरी है, तभी जो है इसके अंदर फर्दर तेज़ी आ सकती है, जो कि इसको 22 से 24 रुपये तक भी ले जा सकती है। लेकिन 20 रुपये को क्रॉस करना ज़रूरी है। तो ये 20 रुपये जो है एक इम्पोर्टेंट रजिस्ट्रेंट है, और 17 रुपये का जो जोन है अभी जो है ये सपोर्ट है। प्राइस अभी जो है बिल्कुल दोनों के बीच में खड़ा है, तो इसको जो है दोनों को आप जो है नोट करके रख सकते हैं अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो। और आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, और इसके ऊपर हम टाइम टू टाइम अपडेट भी लाते रहेंगे अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेजोरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।